एक बार आप है ना शुरू से बताओ हुआ क्या इसको। इधर आ जाओ, नजदीक आ जाओ। हाँ पूरी बात आप बताना कि शुरू से क्या हुआ है। अच्छा शुरुआत में आपको लगा कि इसको जुकाम बनी है ना। अच्छा यार खाना पीना बंद कर दिया। खाना पीना बंद कर दिया 2 दिन में भी। अच्छा जब जुकाम बनी थी उस समय तक खाना पीना, अरे टेम्परेचर लो, उस समय तक खाना पीना बंद नहीं किया था ना। बंद कर दिया, दोपहर में बंद किया है। अच्छा और ये जुकाम वाली बात जो आप बता रहे हो कितने दिन पहले की है? लूज करो। ये तो है तो खतरनाक भाई, डर गई ये। निकालो इसको, बीच में फंसा दिया यार। वो तो मेरे पास तो यहाँ से निकलेगा, निकल जाएगा। इसे इधर से खींच लो ना, पे इसको गर्दन को ऊपर करो, गर्दन को ऊपर करो, हाँ गर्दन को ऊपर करो, उठाओ मणि भाई। हो गए हाँ, ऐसे निकालो इसको, हाँ निकालो पूरे को निकल। अरे यहाँ से रस्से को निकालो रे, वो एक आदमी इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इसको खींचो, खींचो इसको, इस रस्से को खींचो। अरे जिसको खींचना है उसको खींच नहीं रहे। और ये इधर से किसने डाला था, ये गलती कभी मत किया करो। खोलो वापस, खोलो बीच में से, लो ही मत, खींचो। हाँ बस अब बाहर से लो, हाँ गर्दन को बाहर से ही लो यार, बीच में से अटक जाए कर जाए। तो जुकाम जब बनी थी कितने दिन हो गए जुकाम बने हुए? 10 दिन पहले की बात है ये है ना। तो उस समय आपने कोई इलाज वगैरह किया? उस समय कोई इलाज नहीं किया था। फिर कितने दिन बाद बीमार ज्यादा हुई? 2 दिन। अच्छा पैरों में भी सूजन आ गई थी ना। और पैरों में सूजन थी फिर भी खाना पीना तो कर रही थी है ना। अच्छा मुंह में से जाग गिरना और ये शिकायत तो कल ही हुई है। अच्छा कितना आ रहा है भाई टेम्परेचर? 105 आ रहा है ना टेम्परेचर, तो और भी ज्यादा है इसका। ये आंख में क्या हुआ है? एक आंख में कुछ गिर गया था क्या? ये तो निकाल दिया होगा कचरा जो फंसा था। अच्छा नहीं है ना। कोई बात नहीं, देख लिया है तो फिर देखने की जरूरत नहीं है। अभी खाना पीना कुछ भी नहीं कर रही है? कितने दिन से नहीं खाया है? 2 दिन से नहीं खाया है। यानी इंजेक्शन लग रहे थे, इंजेक्शन लगने के 105.2 आया है, इंजेक्शन लग रहे थे उस तब भी खा रही थी, उसके बाद बंद कर दिया है। कितने दिन इंजेक्शन लग गए इसके? 3 दिन तक लग गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बुखार उतरी तो फिर चरी भी थी है ना। बढ़िया। और बाकी लास्ट बार इंजेक्शन कब लगे? कल लगे थे, परसों? परसों, परसों लगे थे। और परसों से ही इसने खाना पीना बंद कर दिया है, गोबर ये ऐसा कर रही है। अच्छा मतलब 3 दिन का पूरा कोर्स उन्होंने दिया है ना। रूमिनल मूवमेंट देखो, 105.2 टेम्परेचर है, रूमिनल मूवमेंट देखो। ब्याई हुई कितने महीने की है? अच्छा 11 महीने की ब्याई हुई। और ग्याबिन? 1 महीना 10 दिन की ग्याबिन है ना। हाँ मतलब 1 महीना 10 दिन हो गया आपको क्रॉस करा। भैंसा छोड़ा था या इंजेक्शन लगवाया था? नहीं है उधर से देख लो, एल्कलोसिस एसिडोसिस कुछ भी। तीन दिन तक कितने कितने इंजेक्शन लगे थे? 3-3 इंजेक्शन लगे थे है ना।
कितने बता रहे थे आप? एक दिन में तीन है ना। तो ये पूरी तरीके से है ना वो प्रोटोजोआ का ही डाउट लग रहा है। दोस्तों अब आप ही बताइए कि क्या आपको भी इसको बबेसियोसिस लग रहा है, यानी बबेसिया प्रोटोजोआ आपको लग रहा है क्या? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। लंबे समय बाद अब हमें समय मिलने लगा है तो हम आपके कमेंट को लेके वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आप ज़रूर कमेंट करना कि आपको इस बहस में क्या लग रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली तीन दिन तक अगर इंजेक्शन लगे हैं तो जाहिर है एंटीबायोटिक तो लगे ही होंगे। अब इतने एंटीबायोटिक लगने के बावजूद अगर बुखार नहीं टूट रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या आपकी भी शक की सुई बबेसिया की तरफ जा रही है, या फिर जांच करवाने के बाद ही पता चलेगा कि इसको बबेसिया है या नहीं है?